हेलो बच्चों गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर 18 में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे पिछली बार आपने देखा ही होगा कि गाइस अभी अपने दो न्यू ट्रैक्टर खरीदे थे और एक फार्म खरीदा था। बाकी गाइस यहाँ पे जो अपना आज का प्लान है गाइस हार्वेस्टर खरीदने का, क्योंकि गाइस यहाँ पे अपने फार्म काफ़ी ज़्यादा हुए और जो अपना हार्वेस्टर अपने पास दो ही है और उसमें से भी एक यही यानी कि बढ़िया वाला है, रेड वाला, तो पुराना भी है और वो कम ही एरिया हार्वेस्ट कर पाता है। इसीलिए गाइस अपने एक न्यू हार्वेस्टर खरीदने वाला है और कौन सा हार्वेस्टर है गाइस मैं बता ही देता हूँ। बाकी गाइस ये वाला जो हार्वेस्टर है जिसकी कीमत है 2,14,000 डॉलर, इसको खरीदने वाले हैं। बाकी लुक क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस यहीं से। बाकी गाइस फटाफट अपने को अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए, और भी अपना यानी कि ट्रैक्टर भी खरीदेंगे और बाकी कल्टीवेटर और शोइंग मशीन भी खरीदेंगे। लेकिन फटाफट पहले अपने को हार्वेस्टर खरीदना पड़ेगा, बाकी जो दूसरी मशीन है उसको अपग्रेड करेंगे। बाकी फटाफट जो काम है उसको निपटा दें अपने। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो गाइस, जो भी अपने पिछली बार 2,50,000 डॉलर तक के जो फार्म खरीदा था गाइस, उसको भी हार्वेस्टिंग का काम तो उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। बाकी गाइस देख लो अपना बैलेंस 3,35,000 डॉलर के पास पहुंच चुका है। तो चलते सीधा शॉप में और ये जो हार्वेस्टर अभी अपने जिसको बोला था खरीदने का उसको खरीदेंगे। लेकिन देख लो गाइस इसकी एच भी 325 है, स्पीड गाइस यहाँ पे 25 किलोमीटर पर ओवर है और जो बकेट स्टोरेज है गाइस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये जो अपने जो दो हार्वेस्टर हैं उनसे 3,000 किलोग्राम थोड़ी बहुत ज़्यादा है। बाकी ये भी वीट, कॉर्न, कैनोला और जो सनफ्लावर है उसकी हार्वेस्टिंग कर सकता है। तो गाइस 2,14,000 डॉलर देकर मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। की गाइस यहाँ पे जो अपना हार्वेस्टर है उसको तो अभी अपने खरीद लिया, लेकिन हार्वेस्टर खरीदने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, अपने को खरीदना पड़ेगा उसका हेडर। और इसकी साइज़ देख लो हेडर की गाइस, 7 फुट जितना एरिया गाइस ये हेडर कवर करता है और इसके पहले वाले जो थे देख लो 5 फुट, और ये है गाइस 4 फुट जितना एरिया कवर करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा है और प्राइस भी इसकी ज़्यादा ही है। बाकी फटाफट गाइस इसको 21,000 डॉलर देके खरीद ही लेते अपने। वो गाइस यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस अपना न्यू वाला हार्वेस्टर और जो हेडर है गाइस वो आ गए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ क्योंकि गाइस ऐसे इतना ज़्यादा लुक नहीं आ रहा है, तो फटाफट इसको अटैच कर ले रहे हैं। तो देख लो गाइस यहाँ पे ये जो अपना हार्वेस्टर है अभी अपने अटैच कर लिया हेडर के साथ और क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लुक आ रहा है। और इसका रेड कलर में ये थोड़ा सा बोलते गाइस पिंक सा कलर आ रहा है, पिंक और वाइट, बाकी ज़बरदस्ती लग रहा है। देख लो गाइस क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे अपना जो हार्वेस्टर है वो लग रहा है। बाकी हेडर जो है उसको अपने डिटैच कर दिया क्योंकि गाइस ये जो हेडर है उसको अपने ऐसे अटैच करके नहीं ले जा सकेंगे, इसको पीछे साइड से ही अटैच करना पड़ेगा ताकि अपने ले जा सके। बाकी अपने ये जो हार्वेस्टर है इसको अपना जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे ले जाने वाले, तो फटाफट इसको लेके पहुँचते हैं वहाँ पे, वैसे भी फसल आने ही वाली है। कि गाइस यहाँ पे देख लो गाइस जो अपना न्यू वाला हार्वेस्टर है उसको तो फर्स्ट सेक्शन का गाइस जो फार्म है वहाँ पर लेके आ गए। बाकी हार्वेस्टिंग का काम है उसको भी अपने शुरू कर दिया। बाकी दोनों के साइज़ भी देख सकते हो गाइस, इसकी साइज़ वो जो वाला हार्वेस्टर है उससे काफ़ी बड़ी है और ये गाइस एक बार में इजीली गाइस अपने बोले तो गाइस 4 जो लाइन होती है गाइस उसको यहाँ पे हार्वेस्ट कर सकता है। बाकी गाइस फटाफट अपने को ये अपना सेकंड राउंड हार्वेस्टिंग का चल रहा है तो इसको भी निपटाते हैं और वो येलो वाला जो हार्वेस्टर है उसको अपना जो दूसरा सेक्शन वहाँ पर लेकर चलते हैं।
और बाकी गाइस देख लो, जो अपना दूसरा वाला सेक्शन है वहाँ पे भी अपना जो येलो वाला हार्वेस्टर है उससे काम शुरू कर दिया। बाकी फटाफट काम को अपने निपटाते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो, ये वाला जो अपना हार्वेस्टर है अभी अपने इसको शेड के नीचे रख दिया है, क्योंकि गाइस अभी अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको अपने यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ पे गाइस अपना बैलेंस देख लो, 2,30,000 के पास पहुँच चुका है। तो गाइस चलते हैं सीधा शॉप में, और अपने ये वाला जो ट्रैक्टर है वाल्ट्रा का गाइस, जिसकी कीमत है 1,70,000 डॉलर, और HP है 250 की, स्पीड है 50 किलोमीटर पर ओवर की। वैसे गाइस इससे पहले भी अपने JCB का ट्रैक्टर खरीदा था, जिसकी HP है 230 और स्पीड है 60 किलोमीटर पर ओवर की। स्पीड गाइस उससे इसकी कम है, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे HP का थोड़ा बहुत फ़र्क है। बाकी वाइट कलर में ज़बरदस्ती लग रहा है गाइस, फटाफट मैं इसको ख़रीद ही लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस अपने वो कलर चूज़ करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से गाइस ये वाला कलर जो है इसमें ही ख़रीद लेता हूँ मैं। कि गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर तो मैंने ख़रीद लिया, लेकिन गाइस जो टिपर है यानी कि जो अपना ट्रेलर है गाइस, वो अपने पास दो है, और ये छोटे छोटे है, जिसकी कैपेसिटी देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे 8,000 किलोग्राम की है, लेकिन ये जो है 21,000 किलोग्राम की इसकी कैपेसिटी, और इससे साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस अपने को यानी कि बार बार ज़्यादा बार आना नहीं पड़ेगा, बस एक ही बार में फुल करके जाओ और पूरा जो सामान अनाज अपना उसको बेच कर, और इसको अपने ख़रीदने वाले 29,000 डॉलर देंगे, तो फटाफट इसको भी ख़रीद लेते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे जो ट्रैक्टर, ये जो कलर है गाइस मेरे हिसाब से मरून कलर बोलते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी ये जो ट्रेलर है उसको भी अटैच कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मेरे को तो ट्रैक्टर गाइस यहाँ पे लग रहा है। लुक देख लो आगे से क्या ही ज़बरदस्त आ रहा है। बाकी फटाफट गाइस यहाँ पे अपना जो थर्ड राउंड हार्वेस्टिंग है वो शुरू होने वाला है, तो फटाफट उसको निपटाते हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे देख लो गाइस, जो अपना न्यू हार्वेस्टर, न्यू ट्रैक्टर और जो न्यू ट्रेलर है एक ही साथ में, बाकी गाइस वो पूरा मेरे हिसाब से फुल ही होगा हार्वेस्टर, 95% या 98% जितना फुल होगा। और ये देख लो 42% जितना ही फुल होगा। बाकी ये जो ट्रैक्टर है गाइस, ये कलर में मेरे को लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वैसे भी अपन ने काम भी लिया है ट्रेलर की डिलीवरी का, तो वो भी बंदा निपटा देगा। अभी फटाफट अभी अपना थर्ड राउंड हार्वेस्टिंग का चल रहा है, तो फटाफट इसको निपटा दें। यहाँ पे देख लो, ये जो अपना ट्रेलर है गाइज, उसमें पूरा का पूरा जो कैनोला है उसको भर गया गाइज, अभी अपने यहाँ पे बेचने के लिए आ गए स्टेशन पे। और बैलेंस तो देख ही लो गाइज, आराम से 1,90,000 डॉलर को पार कर लिया है। और गाइज यहाँ पे अपने ने जो बोला था हार्वेस्टर खरीदने का उसको ख़रीदा, और साथ ही अभी अपने ने एक जो ट्रैक्टर देखा उसको भी ख़रीद लिया। वैसे इसके आगे जो ट्रैक्टर था उसको भी अपने चेंज कर दिया है, क्यों, क्योंकि गाइज उसमें स्पीड ज़्यादा थी और अपने को सीडिंग के लिए स्पीड वाले ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, इसीलिए गाइज उसको यानी कि सीडिंग के काम में लगा दिया है। बाकी गाइज यहाँ पे अपना जो कल्टीवेटर वाला जो काम है गाइज, वो बहुत स्लो हो रहा है, और अभी अपने पास यानी कि जो ट्रैक्टर था वो तो लगा है, लेकिन गाइज अपने सोच रहे हैं क्यों ना गाइज न्यू कल्टीवेटर मशीन ही ख़रीद ली जाए, तो चलते सीधा शॉप में। और वैसे गाइज ये वाली जो कल्टीवेटर मशीन है इसको मैंने अभी देखा है, कीमत ही देख लो गाइज यहाँ पर 86,000 डॉलर इसकी कीमत है। और गाइज यहाँ पे 15 फुट जितना जो एरिया है उसको कवर करेगी। बाकी इससे पहले अपने पास ये वाली मशीन है, और इससे पहले ये वाली थी जो 3 फुट का एरिया कवर करती है, और ये गाइज यहाँ पे 6 फुट का एरिया कवर करती है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एरिया, मतलब ये जो मशीन है उससे 2 गुना एरिया ये मशीन कवर करती है, लेकिन कीमत भी गाइज समझ लो 2 गुने ही जितनी है। और मैं सोच रहा हूँ गाइज खरीद ही लिया जाए, तो गाइज यहाँ पे फटाफट मैं ये जो मशीन है उसको ख़रीद ही लेता हूँ। बाकी गाइज यहाँ पे अपना जो कल्टीवेटर है गाइज वो तो आ गया है, बाकी देख ही लो साइज़ कितनी ही बड़ी है। और गाइज इसको लेने के लिए गाइज जो वेल्ट्रा का अपना ट्रैक्टर है, जिसको भी अपने आज ही ख़रीदा है,
उसको लेके आया हूँ। बाकी फटाफट इसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ और लुक देख लो गाइस यहाँ पे क्या ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। बाकी रुक जाओ, मैं ये जो ट्रैक्टर है उसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ भाई, यहाँ पे क्या ही ज़बरदस्त। रुक जाओ, अपने इसको यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे, पहले लेके चलते हैं इसको फार्म पे, फिर इसको देखते गाइस ये कितना एक्सपेंड होता है। गाइस यहाँ पे देख लो गाइस, जो अपना न्यू कल्टीवेटर है उसको तो अपने लेके पहुँच गए गाइस जो अपना फार्म है वहाँ पे। बाकी ये जो मशीन है उसको मैं ऑन करता हूँ और देखता हूँ गाइस कितना एक्सपेंड होती है। और गाइस देख ही सकते हो गाइस, मेरे हिसाब से दो तो नहीं गाइस, मेरे हिसाब से 3 राउंड पूरा जो फार्म दिख रहा है गाइस ये वाला, पूरे 3 राउंड में गाइस ये पूरे फार्म को कल्टीवेट कर देने वाला है ये जो कल्टीवेटर है उससे। लेकिन गाइस यहाँ पे स्पीड कम है, लेकिन गाइस इतनी भी कोई इतनी कम नहीं है, लेकिन फांसी ही काम होगा। अब भी देख लो गाइस क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे अपना काम चल रहा है, फटाफट इसको निपटा दें। गाइज यहाँ पे ये जो अपना फर्स्ट सेक्शन वाला जो कल्टीवेटर था जिसको अपने पहले यूज़ करते थे फर्स्ट सेक्शन के जितने फार्म है उसमें, इसको अपने लेके आ गए जो अपना सेकंड वाला सेक्शन है उसमें अब इसको यूज़ करेंगे। और जो सेकंड सेक्शन वाला जो कल्टीवेटर है वो कम फुट एरिया कवर करता था, मतलब 3 फुट जितना एरिया कवर करता था, इसीलिए गाइज अब भी उसको गाइज यूज़ नहीं है तो उसको अपने फार्म पे ही रख देंगे। बाकी गाइज इसके आगे JCB वाला ट्रैक्टर लगा हुआ है जिसकी स्पीड अभी तक के अपने जितने भी ट्रक है उनमें सबसे ज़्यादा है, तो गाइस काम जो स्पीड में होने वाला है तो फटाफट ये जो काम है उसको निपटा दें। और बाकी गाइस यहाँ पे अपना जो बैलेंस है गाइस 1,70,000 डॉलर के पास पहुँच चुका है। और गाइज यहाँ पे अपने शुरू में ही बोला था कि थोड़ी बहुत मशीनरी खरीदने वाले हैं, और जो अपना दूसरा जो सेक्शन है उसमें जो सीडिंग के जो मशीन है यानी कि जो शोविंग मशीन है गाइज वो मतलब जो पुरानी वाली थी गाइज वही अपने पास है। तो गाइज अपने न्यू तो शोविंग मशीन खरीदेंगे, लेकिन अभी अपने पास जो है वो नहीं, उससे भी ऊपर वाली, तो चलते हैं शॉप में और ये वाली जो शोविंग मशीन है इसको ख़रीदने वाले अपने। देख लो गाइस 6,000 किलोग्राम जितने गाइस जो सीट से वो स्टोर कर सकती है, और 9 फुट जितना एरिया एक ही बारी में गाइस यहाँ पे कवर कर सकती है। बाकी गाइस यहाँ पे तो जो 5 फसल है गाइस, शुगर बीट, कैनोला, कॉर्न, वीट, सनफ्लावर, उनकी सीडिंग कर सकती है। बाकी पोटैटो की सीडिंग के लिए अपने को अलग से मशीन खरीदनी पड़ेगी, बाकी ये भी वही है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो उसकी सीड्स की स्टोरेज और जो गाइस यहाँ पे सीडिंग के जो एरिया होता है वो कम है, और इससे गाइज अपना जो अपना दूसरा सेक्शन है गाइज उसमें यहाँ पे सीडिंग करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ गाइज ये वाली जो मशीन है इसको अपने दूसरे सेक्शन में ले जाते हैं, और फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें ये वाली सीडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। वैसे अपने पास पैसे हैं और ट्रैक्टर भी गाइज कमी नहीं है उसकी, तो गाइज यहाँ पे इसकी कीमत है 85,000 डॉलर। तो फटाफट गाइज मैं इसको खरीद भी लेता हूँ। बाकी गाइज यहाँ पे देख ही सकते हो गाइज जो अपना ट्रैक्टर है उसको तो अपने लेके पहुँच गए भाई यहाँ पे, जो अपने न्यू वाली शोविंग मशीन खरीदी थी उसको लेने के लिए। बाकी क्या ही ज़बरदस्त लुक लग रहा है, और इसके टायर्स देख लो कितने ज़्यादा है जो मशीन है उसके। बाकी फटाफट मैं इसको अटैच करता हूँ, और भाई देख लो गाइज बहुत ही बड़ी मशीन है, लेकिन इसको सबसे पहले अपने को फील भी कराना पड़ेगा, और देख लेते हैं गाइज इसको पूरा फील कराने में कितने पैसे जाते हैं। अपने बैलेंस देख ही सकते हो गाइस 88,000 डॉलर है, और फटाफट गाइस मैं इसको यहाँ पे फिल करा देता हूँ। और भाई यहाँ पे 18,000 डॉलर अपने पैसे गए हैं गाइस इसको सिर्फ एक बार में फिल कराने का। लेकिन गाइस ये बराबर ही है क्योंकि बार बार अपने को फिल नहीं कराना पड़ेगा, बाकी अपने बंदे को भी बेचा था यानी कि जो अपनी फसल निकली थी उसको बेचने के लिए, बाकी इसको लेके जाने का अपना जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे, और जो फर्स्ट सेक्शन की जो सीडिंग मशीन है उसको लाने का सेकेंड वाले सेक्शन में। बाकी अब परमानेंटली ये जो मशीन है इसके आगे यही ट्रैक्टर यानी अभी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि कलर भी मैच हो रहा है और ये ट्रैक्टर में स्पीड भी ज़्यादा है इसीलिए। और बाकी गाइस यहाँ पे देख ही लो गाइस जो अपनी न्यू वाली सीडिंग मशीन है वो कितना फुट जितना एरिया कवर करती है, और अपनी जो पुरानी वाली थी जो सीडिंग मशीन वो कितना फुट एरिया करती है। वैसे गाइस मैं पुरानी वाली मशीन को यहाँ से लेना आया था, तो देख ही लेते हैं। तो फटाफट देख लो गाइस यहाँ पे वो 9 फुट जितना एरिया कवर करती है, और ये 6 फुट जितना एरिया। बाकी देख लो फटाफट यहाँ पे वो बढ़िया मशीन है। बाकी फटाफट अब इसको सेक्शन दूसरे में ले जाए, तो फटाफट वहाँ पर लेके पहुँचते हैं।
और बाकी गाइज यहाँ पे अपना जो काम था आज का, हार्वेस्टर खरीदने का, ट्रैक्टर खरीदने का, ट्रेलर खरीदा, और भाई यहाँ पे छेले छेले गाइज यहाँ पे अपने कल्टीवेटर और ये वाली जो सीडिंग मशीन है उसको भी खरीद ली। बाकी गाइज यहाँ पे जो फार्म है उस पर सीडिंग का ही काम करने का है, बाकी अपना जो भी बोला था काम वो हो गया और पूरा पूरा हो गया। जो मशीन अपनों ने बोला था अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड तो नहीं मतलब यानी कि न्यू मशीनरी अपनों ने खरीदी, बाकी आज का पूरा का पूरा का जो अपना काम वो हो चुका है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं।